हम हार स्वीकार करते हैं। क्या पता चला कितने वोटों से हार रहे हैं आप? 200 वोट से हार। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, करीब 10 से अधिक सीटों के परिणाम भी आ गए हैं, लेकिन वैशाली में बड़ा खेला हुआ है। वैशाली में पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार भूषण कुमार राय चुनाव जीतने में सफल हो गए हैं, लेकिन राजद के उम्मीदवार सुबोध राय, जिन्हें चुनाव में हार मिली है, वो अपने ही विधायक यानी कि अपने ही पार्टी के विधायक पर बरस पड़े हैं। तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले महुआ के विधायक मुकेश रोशन पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। देखिए क्या कुछ सुबोध राय मुकेश रोशन पर आरोप लगा रहे हैं। कलेक्ट कर लिया, हम हार स्वीकार करते हैं। क्या पता चला कितने वोटों से हार रहे हैं आप? 200 वोट से हार। तो कहाँ चूक रह गई आपकी? कहाँ चूक नहीं, जो यहाँ का परंपरा था किस्नौट मजरोट का, लोगों ने खेलने का काम किया। क्या किस्नौट मजरोट का जो प्रचलन था यहाँ वैशाली जिला में, उसी से हम हारे। मतलब दोनों में यादव समाज से थे, इसकी वजह हुआ? बस वही भीतरघात हुआ, और जो मजरोट अति के थे, समाज के लोग थे, उन्होंने धोखा देने का काम किया, और महुआ विधायक सबसे पहले धोखा देने का काम किया। मुकेश रोशन जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसकी शिकायत आप अपने नेतृत्व के पास करेंगे क्या? तो आपने देखा कि सुबोध राय यादव पर ही बरस चुके हैं, दरअसल अपने ही जाति में, जाति को लेकर उन्होंने ये सारी बातें कही कि किस्नौत और मजरोट को लेकर वैशाली में जो खेला होता है, इसी खेला की वजह से मुझे हार मिली है और सबसे बड़ा हाथ किसी का है। तो उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि महुआ के विधायक जो कि मुकेश रोशन है, तो उन्हीं के कारण मैं चुनाव हारा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव के लिए चिंता की विषय है, क्योंकि जिस तरह से वैशाली में अब राजद दो धड़े में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कोई सिर्फ राजद ही नहीं, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जो यादव समुदाय है वो वैशाली में दो धड़े में बट गया है। किस्नौत और मजरोट की बात हो रही है, सुबोध राय के इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुकेश रोशन पर आरोप लगाया है, तो मुकेश रोशन की भी तरफ से कोई ना कोई बयान देखने को जरूर मिलेगा। मुकेश रोशन क्या कुछ सफाई देते हैं, ये देखने वाली अब बात होगी। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, और सुबोध राय के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।